ट्रेडर्स जी का ये ट्रेड एक तरह से मेरा स्केल्पिंग का ट्रेड रहा है बिकॉज जितना बड़ा मोमेंटम जी ने दिखाया है ये तीन कैंडल्स को या तीन कैंडल्स भी छोड़ दीजिए इन दो कैंडल्स ने जितना बड़ा मोमेंटम हम लोगों को दिखाया जस्ट हमने क्या किया है कि इस दो कैंडल के मूवमेंट को हमने जस्ट कैच किया है कोई बहुत बड़ा टारगेट हम लेकर के नहीं चले थे जस्ट हमारा 1.5 परसेंट का मोमेंटम यहाँ पर एक्सपेक्टेड था दो परसेंट का मोमेंटम इसने दिखा दिया था और जस्ट अब हमें हमारी एंट्री थ्री वन थ्री पॉइंट सिक्स फाइव से हमें सिर्फ वन पॉइंट फाइव परसेंट का मोमेंटम कैच करना था जो कि प्राइस ने हमको दिखा दिया है यानी कि नाइन ट्वेंटी फाइव की कैंडल और नाइन फोर्टी की कैंडल इन दो कैंडल्स ने जितना बड़ा मोमेंटम दिखाया था जस्ट हमने क्या किया है कि इन दो कैंडल्स का एक तरह से रिट्रेसमेंट कैच किया हो सकता है मे बी चांस ऐसे बन रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ये अपसाइड की तरफ टर्न हो जाए क्योंकि प्राइस एक्चुअली हमारा अप ट्रेंड में है या फिर यहाँ से ये यह साइडवे हो जाए प्रॉफिट्स तो हमें यहाँ पर ही बुक कर लेने थे बट मौका नहीं दिया इसने बुक करने का और पहले से हमने यहाँ पर ऑर्डर्स अपने लगा करके रखे नहीं थे सो so, थ्री जीरो एट पॉइंट सिक्स जीरो यहाँ तक के अपने टारगेट्स हैं प्राइस जैसे ही यहाँ पर आएगा हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे एंड एक तरह से ये मेरा स्केल्पिंग का ट्रेड रहा बिकॉज दो कैंडल्स का एक रिट्रेसमेंट हमें कैच करना था जो कि अगर हम यहाँ पर देख रहे तो एक दो तीन चार पाँच छः छः कैंडल्स में हमको हमारा टारगेट मिल गया हालांकि हम बाहर नहीं निकल पाए लेकिन टारगेट हम यही मान करके चलते हैं कि छः कैंडल्स में ही हमको हमारा टारगेट मिल चुका है तो अब यहाँ पर जस्ट हम एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्री की यहाँ पर जब आप देखोगे तो ऑर्डर बुक में टू थाउजेंड हमने लगा करके रखी हुई है 314.80 ये हमारा स्टॉप लॉस है और 313.65 वन यहाँ पर हमने अपनी एंट्री ली है सो so, यहाँ पर देखिए पोशन बुक ओपन कर लेते हैं ओवरऑल जो इस वक्त का अपना प्रॉफिट चल रहा है एलेवन थाउजेंड सेवन का हमारा प्रॉफिट चल रहा है जस्ट थर्टीन के कुछ का ये अपना प्रॉफिट होगा थ्री का तो एक काम करते हैं यहाँ पर अपना एक ऑर्डर लगा ही देते हैं अभी प्राइस हमारा फिर से ऊपर चला गया है ये देखिए थ्री जीरो नाइन पॉइंट फोर फाइव पर पहुंच गया है एक रुपये और हमको मोमेंटम चाहिए इसके अंदर टू थाउजेंड फाइव के अराउंड का जो प्रॉफिट है वो अपना और ऐड हो सकता है अपने इस वाले प्रॉफिट के अंदर तो थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा समय इसको और देंगे प्राइस का थ्री जीरो एट तक पहुंचने का वेट करेंगे थ्री जीरो एट पॉइंट सिक्स जीरो तक ये तो तय है कि प्राइस अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर देगा तो हो सकता है जीरो पॉइंट फाइव जीरो परसेंट का या फिर जीरो पॉइंट सेवन जीरो परसेंट का मोमेंटम ये और दिखा दे बिकॉज वॉल्यूम प्रोफाइल से जो सिग्नल्स हमको मिल रहे हैं कि यहाँ से हमें थोड़ा बहुत अपनी पोजिशन को देख लेना चाहिए अगर हम स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो तो हम यहाँ पर अपनी पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं तो थ्री ये अपना लेवल है यहाँ का हम वेट कर रहे हैं ट्रेडर्स प्राइस ने जैसे ही हमारा लो ब्रेक किया है। ये वाला सपोर्ट जैसे ही इसने ब्रेक किया है प्राइस का मोमेंटम आप देख सकते हो हमने क्या कहा था कि 0.5 पॉइंट फाइव या जीरो परसेंट का मोमेंटम यहाँ पर हमको देख सकता है तो एग्जैक्ट 0.50 परसेंट का मोमेंटम यहाँ पर हो रहा है हमें हमारे लेवल के नीचे मार्केट शोक रहे और अभी भी प्राइस हमारा कॉन्टिन्यूस फॉल ही हो रहा है और प्रॉफिट्स भी अपने इंक्रीज़ हो रहे हैं सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज़ के प्रॉफिट तक हम यहाँ पर आ चुके हैं सो so, अब यहाँ पर हम वेट करते हैं बिकॉज़ कुछ सपोर्ट एरिया जो हमारा बन रहा है अब आज का ही अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला एरिया मेरा एक सपोर्ट का एरिया बन रहा है तीन सौ पाँच रुपये दस पैसे का मे बी चांस है कि प्राइस यहाँ तक हमारा फॉल हो जाए बिकॉज इस कैंडल के बाद में एक काफ़ी क्लियर कट हमारा हमको सपोर्ट जो दिख रहा है प्राइस जो नीचे की दिशा में गिर रहा है वो ये वाला है तो मे बी यहाँ तक अगर प्राइस ज़्यादा तो एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा बट हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए और प्राइस हमारा थ्री का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ से हमें अपना प्रॉफिट अब अप बुक कर लेना चाहिए पोजिशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं फोटाक से स्क्वायर ऑफ एन एस सी थ्री वन थ्री पॉइंट सिक्स फाइव थ्री जीरो सेवन पॉइंट फोर फाइव ये हमारा प्राइस चल रहा है प्राइस काफ़ी हमारा प्रॉफिट हल्का हो चुका है कम हो गया 17,000 थाउजेंड के प्रॉफिट में हम लोग बने हुए थे अभी प्रॉफिट से अच्छे खास इंक्रीज़ हो रहे हैं तीन सौ छः रुपये का प्राइस चल रहा है नाइन्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव का प्रॉफिट यहाँ पर मार्केट शो कर रही है सो तीन सौ छः रुपये बीस पैसे तीन सौ छः रुपये बीस पैसे अब ज़्यादा होल्ड नहीं तीन सौ छः रुपये आ चुका है चलिए ठीक है लास्ट है ये अपना तीन सौ छः रुपये तीन सौ छः रुपये पाँच रुपये पैंसठ पैसे वेरी गुड तो तीन सौ ये ग्रीडी हो रहा है तीन सौ छः रुपये पर अपना सौदा यहाँ से काटेंगे हम लोग तीन सौ छः रुपये स्क्यर ऑफ वेरी गुड तीन सौ छः रुपये पर हम यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं ओवरऑल जो हमारा आज का प्रॉफिट है हटिए नाइनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ का प्रॉफिट है ऑर्डर बुक एक बार देख लेते हैं सो मार्केट प्राइस जो हमारा स्टॉपलॉस लगाए थ्री वन फोर पॉइंट एट जीरो का हमारा स्टॉप लॉस है तीन सौ छः रुपये पर हमारी जितनी क्वांटिटी थी सारी की सारी हमने जितना प्रॉफिट था वो बुक कर लिया है और थ्री वन थ्री पॉइंट सिक्स फाइव ये अपना आ, एंट्री का पॉइंट है तो so, ओवरऑल आज का हमारा प्रॉफिट नाइनटीन थाउजेंड के अपना प्रॉफिट है नाइनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रूपीज़ का आज की ट्रेड में एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमने डे टाइम फ्रेम की एनालिसिस नहीं किए थी वीडियो में हमने कहा था कि आज का हमारा ये है, ट्रेड एक है स्कैल्पिंग का ट्रेड है बिकॉज हमें जस्ट एक मूव कैच करना था रिट्रेसमेंट का प्राइस में हमने बोला था कि जी एस डब्ल्यू एनर्जी ये अप ट्रेंड में है अगर हम इसको डेली वाइज भी देखते हैं और लोअर टाइम फ्रेम यानी फाइव मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तब भी ये पूरी तरह से जो हमको दिखाई दिया है एक सपोर्ट के लेवल पर दिखाई दिया है प्राइस नीचे की दिशा में गिर रहा है बट वॉल्यूम्स कमज़ोर पड़ती चली जा रहे हैं डे टाइम फ्रेम पर जे एनर्जी में यहाँ पर कुछ एक तीन कैंडल्स की आपको एक ग्रुपिंग दिख रही होगी ये वाली जितनी भी मार्किंग्स इनको सबको डिलीट कर देते हैं बिकॉज अब लोअर टाइम फ्रेम की मार्किंग्स तो आप लोगों ने देख ही ली हैं हायर टाइम फ्रेम की मार्किंग को एक बार समझ लेते हैं ये यहाँ पर कुछ एक ग्रुपिंग बनी हुई है प्राइस का एक सपोर्ट एरिया है इसने क्या किया है ना लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस गिरते गिरते हमारे सपोर्ट एरिया तक आया था सपोर्ट लेवल तक आया और प्राइस यहाँ पर आकर के इसने एक सपोर्ट लिया बट वॉल्यूम्स हमारी लगातार गिरती चली जा रही हैं यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम्स कम हो रही हैं कम हो रही है कम हो रही हैं, हैं और प्राइस हमारा एक सपोर्ट लेवल पर आ गया यहाँ पर आ गया यहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइस ने हमारे इस सपोर्ट को विद वॉल्यूम ब्रेकआउट किया अगले दिन भी प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ गया और फिर से ये अपसाइड की तरफ गया बट प्राइस ने फिर आने वाले समय में क्या किया है कि वॉल्यूम्स को यहाँ पर डाउन किया है एंड प्राइस का मोमेंटम भी डाउन साइड की तरफ आया मतलब कि प्राइस हमारा गिर तो रहा है बट उसके अंदर कहीं ना कहीं क्वान्टिटीज कम हो रही हैं पार्टिसिपेशन कम हो रहा है वॉल्यूम्स कम शो हो रहे हैं अब आज के दिन क्या हुआ है क्योंकि हमने क्या देखा है इसके अंदर कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है इस तरह से हमने देखा कि प्राइस में कहीं ना कहीं, ना कहीं एक अप ट्रेंड है बट अब फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए अचानक से इसके अंदर एक बड़ा सा देखने को मिला ये देख रहे हैं आप ये इतनी ज़्यादा सी वॉल्यूम आना और प्राइस का एक सपोर्ट से लेकर के बिल्कुल अप सैट की तरफ चले जाना एक बड़ा सा मोमेंटम दिखा देना और हुआ क्या है यहाँ पर जैसे ही प्राइस अप सैट पर गया और अब हायर टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक और रेजिस्टेंस लेवल था जिसकी की डेट है नाइनटीन्थ ऑफ अगस्त और एटीनथ ऑफ अप्रैल जब यहाँ पर आप डे टाइम फ्रेम पर आओगे तो नाइनटीन्थ ऑफ अगस्त की कैंडल का हम जस्ट लो मार्क करेंगे ये वाला और एटीनथ ऑफ अप्रैल यानी कि एक ग्रीन कैंडल है जस्ट इसका लो पॉइंट हम इसको देख लेते हैं ये पूरा का पूरा एक जोन बन गया हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया अब प्राइस में हमने क्या बताया था आपको कि अप साइड की तरफ जब ये जाता है अपर लेवल जब इसने जैसे ही कैच किया हाईज अचानक से ये ऊपर नहीं चला जाएगा प्राइस अगर अप ट्रेंड में है ना सभी लोगों को मालूम है कि प्राइस यूं ऐसे और फिर से ये डाउन साइड की तरफ और फिर से ये अप साइड की तरफ जाएगा अगर इसको ऊपर जाना है तो यानी कि ये अपना हाई ब्रेक करेगा एक रिट्रेसमेंट तो तय है लेकिन अगर हमें यह मालूम हो कि प्राइस के अंदर जो रिट्रेसमेंट है वो किस लेवल से हो सकती है तो कुछ ना कुछ मोमेंटम हमको वहाँ से कैच करने को मिल जाता है अब जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल हमने मार्क कर लिया किसी भी रीज़न से ये अपना रेजिस्टेंस लेवल है अब फाइव मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप आओगे तो लोअर टाइम फ्रेम पर जैसे ही हमने देखा कि प्राइस हमारा हमारे रेजिस्टेंस लेवल से टकरा करके नीचे की तरफ जैसे इसने एक मोमेंटम डाउन साइड की तरफ का दिखाया मतलब एक रिजेक्शन दिखाया हमने इसके अंदर तीन सौ तेरह रुपये पैंसठ पैसे पर एक अपनी एंट्री बनाई थी तीन सौ तेरह रुपये पैंसठ पैसे लगभग ये वाला पॉइंट जो था इन दो कैंडल्स का एग्जैक्ट तीन सौ तेरह रुपये पैंसठ पैसा और जो स्विंग हाई था हमारा स्विंग हाई के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया एंट्रीज यानी कि जो टारगेट्स हमको इसके अंदर आइडेंटिफाई करने तो सबसे पहला तो मेरा टारगेट कह रही है ये वाला था प्राइस ने एकदम से यहाँ का मोमेंटम सबसे पहले तो देखिए ये वाली कैंडल आई यहाँ पर मैं प्रॉफिट्स हम बुक नहीं कर पाए वेट किया बट जैसे ही 10:35 पर प्राइस नीचे की तरफ प्राइस ने एक बड़ा मोमेंटम दिखा दिया जितने भी प्रॉफिट्स थे सारा का सारा प्रॉफिट हमने इस वाले एरिया पर बुक कर लिया तो एक तरह से देखा जाए कि अपसाइड में यहाँ से हमने एक शॉर्ट सेलिंग की तरफ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया और जो भी लो पॉइंट्स थे क्योंकि प्राइस यहीं से मेरा अपसाइड की तरफ चला गया हमने क्या कहा कि प्राइस हमारा ये स्ट्रांग था एक स्ट्रॉन्ग लेवल है अब प्राइस कितना मोमेंटम हम अपसाइड की तरफ चलेगा क्योंकि चल चुका है ना तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक चला गया लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि प्राइस काफ़ी चल चुका है ये देखिए एंट्री लेने से पहले ये स्टॉक करीब साढ़े चार या पाँच परसेंट तक चला है और अब पूरा अगर मोमेंटम हम देखेंगे तो करीब सात आठ परसेंट तक ये स्टॉक चला है ये देखिए सात परसेंट स्टॉक चला है एक्सपेक्टेड नहीं होता कि प्राइस इतना चल जाएगा तो मॉर्निंग में ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले मन में क्या चल रहा था हमारा कि प्राइस इतना तो चल चुका है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट यहाँ पर अगर हम कैश करना चाहें तो कर सकते हैं और यहाँ से हम निकल जाएंगे हो सकता है इसके बाद में प्राइस हमारा या तो साइड भी हो जाए या तो फिर अप में चला जाए क्योंकि गिरना मुश्किल है बिकॉज ये प्राइस हमारा अप ट्रेंड में है तो ओवरऑल अपनी ये एनालिसिस थी आज के ट्रेड की आई होप कि जो भी पॉइंट्स अभी हमने बताए हैं या डे टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम पर जिस तरह से हमने देखा है इसको वो समझ में आया होगा आपको सो थैंक यू एंड अब हम लोग मिलेंगे अपने कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई भी अच्छे से स्टॉक्स होंगे तो उन्हें आप लोगों के साथ हम शेयर करें थैंक्स एंड वी विल मीट अगेन